खबर पाकिस्तान से, जहां का एक हेलीकॉप्टर गुरुवार को अफगानिस्तान में क्रैश लैंड हुआ और तालिबान ने हेलीकॉप्टर को आग के हवाले कर दिया और उसमें सवार सभी 7 लोगों को बंधक बना लिया, जिन्हें अज्ञात जगह पर ले जाया गया। वहीं बंधक बनाए गए लोगों में एक रूस का नागरिक भी है। पाकिस्तानी दूतावास के प्रवक्ता अख्तर मुनीर ने बताया कि पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर MI-17 मरम्मत के लिए रूस जा रहा था, लेकिन अफगानिस्तान के लोगार प्रांत में क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी और उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर को क्रैश लैंडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसमें सवार लोगों का क्या होगा, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने सुबह 8:45 पर पेशावर से उड़ान भरी थी और उसे उज्बेकिस्तान के बुखारा में उतरना था।